नहीं, इस विभागीय बैठक में जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि माननीय जनप्रतिनिधियों से, आम हमारे कार्यकर्ताओं से और आम जनता से सुझाव मांगे गए कि कहाँ क्या किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ का जनता को कष्ट है, और उसको दृष्टिकोण में रखते हुए आज यहाँ समीक्षा बैठक की गई है। विभिन्न एक एक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय निर्माण निगम का, एक एक प्रोजेक्ट सेतु निगम का और PWD की जो सड़कें हैं उस पर चर्चा की गई है और पूरे तरीके से सुझाव भी आए हैं जनप्रतिनिधियों के कि कैसे और गति ला सकते हैं। अधिकतर यही देखने को मिला है कि टारगेट अचीव कर रहे हैं, जहां कुछ कमियां हैं विभिन्न विभागों से और बात करके उनका हल निकाला जाएगा। इलाहाबाद प्रयागराज जो है वो खास प्राथमिकता रखता है और अभी से निर्देश भी दिया गया है कि 2025 के कुंभ की रूपरेखा आज से ही शुरू करी जाए, ताकि जो बड़े कार्य हैं और ख़ास तौर से शहर में जल भराव और जाम की व्यवस्था, इससे जनता को राहत मिले, इस पे विस्तार से चर्चा हुई है और आगे इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। धन्यवाद। आज हम लोग के माननीय जितेंद्र जी PWD मंत्री प्रयागराज के धरती पे प्रथम आगमन पे आए हुए थे और विभागीय समीक्षा थी PWD की भी, कि क्षेत्र के सारे लोग उपस्थित थे या वो जितने पुल हैं बनने योग्य हैं, जो नहीं बनने योग्य उस पर सजेस्ट किया कि जल्दी से कंप्लीट मिले और गांव की भी जो चौड़ी सड़क नहीं हो रही, जो 3 मीटर मानक तय किया गया है उसको 5 मीटर भी कर दिया जाए, और जो किसान को मुआवजा होता है ज़बरदस्ती किसी खेत में ना बना लेने तो मुआवजा दे के बनाया जाए, किसी प्रकार को कोई विवाद ना हो। शहर में अभिलाषा जी ने भी आवाज़ उठाई कि पानी रुकता है उसके लिए भी व्यवस्था स्वरूप रूप से सुदृढ़ होने जा रहा है, यानी विकास के पूरी बिहार बहेगी प्रयागराज से उत्तर प्रदेश। कुंभ को लेकर जो कुंभ लेके पूरी तैयारी कर रहे हैं भैया, समय भी है उसकी पूरी समीक्षा हो रही है, पूरी तरीके से कुंभ भव्य कुंभ होगा। कुंभ को लेकर किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? कुंभ प्रकार के जिसलिए तैयारी, वाले प्लाटून पुल है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक कैसे बनेगा, शास्त्री ब्रिज पे पुल नया कैसे बनेगा, तमाम चीजें हैं, पूरी तरीके से जैसे होता है उससे बेहतर आपके सुदृढ़ व्यवस्था होगी। अच्छा, ये सर जो ये पापा मऊ वाला आरोपी रुका हुआ